उज्जैन शहर का खत्रीवाड़ा वाला क्षेत्र में एक अजबत घटना हुई की है। दन दहाड़े दो बैरावण एक घर में घुसी, एक गर्भवती बेणे मुंडा कपड़ो बांधे विके कबाड़ खड़ा बंद करियो ने अलमारी लाकर सब चटकाई गई। कोई 20,000 तो नगद, 200 ग्राम चांदी, सोना झुमकी, कपड़ा लत्ता समेत हजारों माल लेके चली गयो। यह घटना शुक्रवार अवेर को 11 बजे बताई रहा। खत्रीवाड़ा में सोनी जी कॉम्प्लेक्स का कणे रेवा वाली बेन ममता शर्मा के साथ यह घटना हुई है। ममता के पति पंकज शर्मा मांकाल मंदिर में पंडिताई करे। अवेर कोई 11 बजे ममता घर में अकेली थी, घर का दरवाजा भी खुला तो दो बैरा उन एकाएक इनका घर में भराई। दो ही ने ममता शर्मा पकड़ो विका मुंडा कपड़ो बांधे विके कबाड़ खाना बंद करके बहरे कुंदी लगाई ली। ममता शर्मा कने मोबाइल थो, कबाड़ खाना मैसेज मिलना अपना पति फोन लगा वी बापड़ा घर पहुंचे। यहाँ देखे तो ममता बेहोश पड़ी, हर मालिक ताला उन टूटा चटकिया पड़िया। सांझ का टेम दो जना मंकाल थाना पहुंचे, यहाँ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस के भी यह बात थोड़ी थोड़ी गले नहीं उतरी रही है। सर एक दिन पहले शाम के 6:30 बजे की बात है, तब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो गोदरेज की आवाज आई ना, जैसे ये इधर से तो मैं आके बोली मैंने कि गोदरेज में जैसे मतलब गोदरेज कौन इनके बोली मतलब कि आप गोदरेज में क्या कर रहे हो इतने, तो वो भग गया वो आदमी जो भी था वो। हाँ। मैंने आवाज भी लगाई जोर जोर से इतने वो चला गया था। फिर कल क्या हुआ? लेडीज आई थी तो मैं इसी कमरे में थी। हाँ। तो उन्होंने नहीं जैसे आई नहीं डायरेक्ट, मैं कोट पहन रही थी तो वो तो गिरा दिया और उस रुमाल से मुंह बांध के मेरे को अंदर धक्का दे दिया। तो मैं तो जैसे बेहोश टाइप हो गई थी सर, प्रेग्नेंट भी हूँ तो मेरे को उस ड्रम से मारा तो मेरे पेट में भी लग गई। तो मैं तो ऐसी बेहोश टाइप हो गई थी और वो एक और क्या मालूम थी तो औरत ही वो, पर उसने थोड़ा ताड़ी करी इसमें ईंट से मारा और ये कपड़े वपड़े सब बखेर दिए। अच्छा, और सर मिनट बस 8 मिनट इतने मैंने फ़ोन लगा दिया, मेरा हाथ में फ़ोन था तो इनको इतने वो आवाज़ सुनी और हमारे गेट बजान इतने में तो वो भग गई। उनकी पायल 20,000 रुपये, बिछुड़ी और कपड़े और पेटीकोट वगैरह। आपकी घटना कितने बजे की घटना है? मगर मुहारी गली के आगे एक परिवार में जैसा कि शिकायत मिली थी कि कोई महिला उसे घर में जाके और कुछ साड़ियां और कुछ ज्वेलरी कुछ रुपए चोरी करके ले गए हैं। इसके संबंध में हमारी टीम गठित की गई है और वो क्षेत्र के CCTV फुटेज देख रही है। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य दुकानदारों से पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किस तरह की घटना है, क्या कुछ हुआ था, बुरा क्या बताया महिला ने? अभी जो बात की तो ये घटना लगभग दिन के 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उसने बताया कि कोई महिला उसके घर में एंट्री की और उसको एक दो थप्पड़ मारे और उसको एक उसके कमरे में ही बनी गैलरी में बिठा दिया। इसके बाद उसकी अलमारी से साड़ी और उसमें रखी हुई कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी ले गई और बाकी साड़ी ज्वेलरी नकदी उसी में छोड़ गई है।